हेलो बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये पतला प्रिज्म होगा तो एंगल ऐसा होगा, मोटा प्रिज्म होगा तो एंगल ऐसा होगा। बस ये ऊपर वाला एंगल की बात कर रहा है ना। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिख रहा है तो ये 60 डिग्री होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पर हुआ क्या हुआ, ये कि मैं रास्ते में कौन आ गया, रास्ते में तो दादाजी आ गए, रास्ते में तो प्रिज्म आ गया। अब दादाजी ने क्या किया, एक मारा इधर और फिर दूसरी बार मारा इधर, यानी एक बार नहीं भटकी, दो बार भटकी। मून के सरफेस से अगर आप सन को देखोगे, स्पेस से अगर आप सन को देखोगे, किसी ऐसे प्लेनेट से अगर आप सन को देखोगे जिस प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर नहीं है, आपको सन दिखेगा व्हाइट चमकता हुआ तारा। एक्चुअली में व्हाइट कोई कलर ही नहीं है। सर ये क्या कह दिया आपने, क्या कह दिया, हमारे तो क्रेयॉन्स के अंदर एक व्हाइट कलर निकलता था। एक्चुअली में ब्लैक भी कोई कलर नहीं है। सर क्या कह रहे हो आप, ब्लैक भी कलर निकलता था, हम तो काला कलर करते थे बालों में, है ना, काली काली ड्रेस बनाते थे, काली काली हैट बनाते थे, ब्लैक कलर का स्नेक बनाते थे हम तो, काला रंग कैसे नहीं है सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग ह्यूमन आई का एक स्पेशल लेक्चर लेकर के आ चुके हैं और आज का जो ये लेक्चर है ये सीबीएसई 2021 बोर्ड के लिए सिलेबस वाला चैप्टर है, यानी ये रिड्यूस सिलेबस का जो है कि टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ग्लास प्रिज्म पर, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म पर अगर लाइट डाली जाएगी तो वो किस तरीके से रिफ्रैक्शन दिखाती है वो, और रेनबो उससे पहले डिस्पर्जन, ठीक है ना। तो एक ये छोटा लेक्चर होने वाला है और प्रिसाइज लेक्चर होने वाला है, सिर्फ काम की ही बातें करूंगा, बाकी आपको नोट्स बच्चों इस चैप्टर के एंड में, जैसे ही चैप्टर का लास्ट लेक्चर अपलोड होगा वैसे ही उसके साथ साथ आपको इसके नोट्स भी ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे बच्चों। क्लास नोट्स तो हमेशा अवेलेबल होते ही हैं आपको क्लास के बाद, ये आप जानते हो। तो चलिए आज के हम कंटेंट देखते हैं बच्चों कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लास प्रिज्म से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये शब्द आपके हो सकता है सुना हो, सकता है ना सुना हो आप लोगों ने। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है वन, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो गया सिंगल कलर की लाइट डाल करके देखेंगे हम लोग। एक सिंगल कलर की लाइट मतलब रेड लाइट डाली या ब्लू लाइट डाली या ग्रीन लाइट डाली या येलो लाइट डाली, एक सिंगल ही कलर की लाइट डालेंगे किसके ऊपर, प्रिज्म पर। ये देखो रिफ्रैक्शन देखेंगे उसके बाद कि प्रिज्म पर वो लाइट पड़ती है तो कहां कहां जाती है। बच्चों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ब्लू बॉक्स के अंदर दिया हुआ एक्टिविटी के अंदर, एक्टिविटी में कहता नहीं हूं, कह के नहीं कहता कि एक्टिविटी पढ़ा रहा हूं, लेकिन सब एक्टिविटीज मैंने कवर करवाई है जितनी भी फिजिक्स के अंदर है बच्चों। ठीक है तो चलिए सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड है डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिट होना लाइट का। तो एक लाइट, एक बंच ऑफ लाइट जा करके वो क्या करेगी, स्प्लिट करेगी और एक स्पेक्ट्रम को फॉर्म करती है। वो स्पेक्ट्रम कैसा होता है, क्या है क्या नहीं है वो देखेंगे। रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट, एक छोटा सा डायग्राम आता है इसका, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं भी आता, वन मार्क का कभी कंसेप्चुअली पूछ लेता है, कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो आपको पढ़ना तो है ना बच्चों। ठीक है फोर्थ है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी बनता है, कभी कभी इसको 2 मार्क्स के अंदर सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से फिनोमेना इसके अंदर रोल प्ले करते हैं, ये चीज पूछ ली जाती है, बाकी पीवाईक्यू अपनी जगह है ही। बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, मोनोक्रोमेटिक लाइट का रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, आइए देखिए बनाते हैं इसको कि किस तरीके से डायग्राम बनेगा। मैंने यहां पर एक प्रिज्म पहले से ले लिया, उम्मीद करता हूं आपको प्रिज्म पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जो बच्चे प्रिज्म को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं बच्चों, ये कांच का होता है, 2 फेसेस जो होंगे वो रेक्टेंगुलर होंगे, ट्रायंगुलर होंगे, और 3 फेसेस जो होंगे वो रेक्टेंगुलर होंगे। किस तरीके से, इस तरीके से। ऐसे आगे वाला जो ये फेस है ये भी ट्रायंगुलर फेस है ये वाला, और पीछे वाला फेस भी कैसा है बच्चों, ट्रायंगुलर है। बाकी ये तीनों फेस, यानी नीचे वाला ये, पीछे वाला ये और आगे वाला ये तीनों फेसेस क्या हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, 2 ट्रायंगुलर 3 रेक्टेंगुलर। ठीक है ना, हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ इसका फ्रंट पार्ट देखना है, ये वाला पार्ट, हम सिर्फ इसको यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रंट पार्ट को। ठीक है लाइट कहां पड़ेगी, लाइट पड़ेगी एक पीछे वाले रेक्टेंगुलर पार्ट पर, जिसका पीछे वाला रेक्टेंगुलर पार्ट है वहां पर लाइट पड़ेगी, ऐसे उस जगह पर लाइट डालेंगे और वो इस वाले रेक्टेंगुलर पार्ट से बाहर निकलेगी, ऐसा कुछ हो रहा है यहां पर, यानी इस तरफ से लाइट डाली जाएगी ऐसे और यहां से वो लाइट बाहर निकलेगी। बात समझ में आई ना, यहां से लाइट डलेगी और यहां से लाइट बाहर निकलेगी। तो अंदर के क्या एंगल्स रहते हैं, क्या रेज रहती हैं, किस तरीके की वो रिफ्रैक्शन होती है, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो बच्चों मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो मैं काम करता हूं येलो लाइट ले लेता हूं,
मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी कलर की लाइट ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास पेंसिल है, पेंसिल से आप इसको फ्रीली बना सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। मैंने यहां पर एक येलो लाइट ले ली है, तो इस येलो लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलूंगा क्योंकि वो एक सिंगल कलर की लाइट है। तो मैंने इसको प्रिज्म के एक फेस पर डाला, ये प्रिज्म के एक फेस पर मैंने इसको डाला, एक साइड पर ये डली, ठीक है। ये रे इंसिडेंट रे कहलाती है बच्चों, क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे कहलाती है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस ग्लास प्रिज्म के बाहर, इस ग्लास प्रिज्म के बाहर एयर है बच्चों, और यहां तो कांच है, बार बार बोल रहा हूं मैं ग्लास प्रिज्म है, और बाहर क्या है? बाहर फिर से एयर है, बाहर फिर से एयर है। तो मुझे एक बार बताओ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जिससे पहले एयर है और जिसके बाद ग्लास है, यानी लाइट एयर से आ रही है और कहां जा रही है बच्चों? ग्लास में जा रही है। तो मैं यहां पर एक नॉर्मल ना ड्रॉ करूं क्या? मैं यहां एक नॉर्मल ना ड्रॉ करूं क्या? तो मैंने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, उस नॉर्मल का नाम दे दिया N1, ठीक है ना। नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि अब मीडियम चेंज हो रहा है, यह मीडियम का इंटरफेस है, यह एयर का और कांच का इंटरफेस है, हां या ना? इस एंगल का नाम मैं, इस एंगल का नाम मैं दूंगा एंगल I, देना ही चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सुनो क्या हो रहा है, अब सुनो क्या हो रहा है। ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना, वो जब एयर से कहां जाएगी? ग्लास में। तो आप जानते हो कि एयर जो है वो एक रेरर मीडियम है एज कंपेयर टू ग्लास, जो कि एक डेंसर मीडियम है। यानी ग्लास तो डेंसर है और एयर तो रेरर है। मुझे एक बात बताओ, अगर लाइट रेरर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ती है? बोलो जी। एयर से ग्लास में, यानी रेरर से डेंसर में, तो टूवर्ड्स नॉर्मल यानी नॉर्मल की तरफ मोड़ू या अवे फ्रॉम नॉर्मल मोड़ू? क्या कहते हो? आंसर है कि भैया ये टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, यानी ऐसी मुड़ेगी लाइट, ये लाइट ऐसे मुड़ेगी। तो ये नॉर्मल की तरफ आ गई भाई। जा ऐसे सकती थी ना, जा ऐसे सकती थी, नहीं गई। जा ऐसे सकती थी लेकिन नहीं गई, क्या हुआ? नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ये इस तरफ को बेंड कर जाती है, ठीक है ना। बाद में लाइन बना दूंगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली लाइन भी बाद में बताता हूं इसको, लेकिन ठीक है। अब मेरी बात सुनना आगे, मुझे एक बात बताओ, अब ये जो लाइट थी, अब ये जो लाइट थी, ये थी डेंसर मीडियम के अंदर, हा या ना? ये जो लाइट थी किसमें थी? डेंसर मीडियम के अंदर। अब ये वापस से किसमें जा रही है? एयर में। और एयर कैसा है बच्चों? एयर तो है रेरर, एयर तो फिर से कैसी है बच्चों? रेरर है। यानी इस बार डेंसर से रेरर में जाएगी। और अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, और अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये मेरा नॉर्मल हो गया इनटू, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी? इस बार ये डेंसर से रेरर में जा रही है। पहले रेरर से डेंसर में थी तो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ी थी ना, अब ये डेंसर से रेरर में जा रही है तो क्या करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी। यानी ये कहां से जाएगी बच्चों? ये जाएगी यहां से, ऐसे ऐसे, टूवर्ड्स नॉर्मल नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अब यहां कुछ रेज और कुछ एंगल्स है जो रह गए हैं बनाने, मैं उनको बना लेता हूं। बच्चों देखो, जब ये लाइट आई थी तो इसका नाम था इंसिडेंट रे। क्या नाम था इसका? इंसिडेंट रे। इस एंगल का नाम था एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब ये पहली बार अंदर मुड़ी है तो इसका नाम रखा जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, हाँ या ना? क्या रखा जाएगा बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। और इस एंगल का नाम, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल नॉर्मल, हमेशा एंगल नॉर्मल के साथ बनते हैं बच्चों, आप ये बात जानते हो। तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, इसको बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको कभी कभी एंगल I2 बोल देते हैं, दिखाते नहीं है इसको ज्यादातर, इसको एंगल I2 बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो बाहर रे निकली है ना, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। जैसा ग्लास स्लैब में था वैसा ही ग्लास प्रिज्म में है बच्चों। वहां पर भी क्या बोला जाता था? इमरजेंट रे। यहां भी क्या बोलेंगे? इमरजेंट रे। वहां भी क्या था? एंगल ऑफ इमरजेंस। यहां भी क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमरजेंस। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी एंगल ई। और इस रे को बोलेंगे क्या? ई आर, इमरजेंट रे। कोई दिक्कत? तीन एंगल, तीन रे, दो नॉर्मल। तीन एंगल, तीन रे, दो नॉर्मल। तीन एंगल कौन कौन से? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस। तीन रे कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे। याद कर लो, याद कर लो। अभी भी ना दो एंगल्स की कमी है यहां। ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है। इसमें पांच एंगल स्टडी करने होते हैं बच्चों। कितने एंगल स्टडी करने होते हैं? पांच। अब ये चौथा एंगल कौन सा और पांचवा एंगल कौन सा है? आओ बताता हूं। एक तो एंगल ये वाला है, सिंपल सा एंगल है ये वाला, ये एंगल ए बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये पतला प्रिज्म होगा तो एंगल ऐसा होगा, मोटा प्रिज्म होगा तो एंगल ऐसा होगा। बस ये ऊपर वाले एंगल की बात कर रहा है,
है ना, अभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिख रहा तो ये 60 डिग्री होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, है ना। तो एक तो हो गई ये, एक तो हो गई ये लेवलिंग ए, ठीक है, ये भी आपको दिखा के आनी है। और पांचवा और आखिरी एंगल कौन सा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट एंगल वही है। वो क्या कहता है पता है, वो कहता है ये, वो कहता है ये कि मान लो यार अगर ये प्रिज्म यहां ना होता, इमेजिन करो अगर अगर ये प्रिज्म यहां ना होता तो ये जो रे है क्या ये सीधी नहीं निकल जाती, क्या कहते हो, ये रे कैसे निकल जाती बच्चों, ये सीधी निकल जाती। पर हुआ क्या, हुआ ये कि भाई रास्ते में कौन आ गया, रास्ते में तो दादाजी आ गए, रास्ते में तो प्रिज्म आ गया। अब दादाजी ने क्या किया, एक मारा इधर और फिर दूसरी बार मारा इधर, यानी एक बार नहीं भटकी दो बार भटकी। सोचो ये अपने पथ से पथ भ्रष्ट हो गई, यानी अपने रास्ते से भटक गई, रास्ता ये था, एक बार यहां भटकी फिर यहां भटकी, बोलो दो बार भटकी कि नहीं भटकी, भटकी ना। तो इनिशियली ऐसे जानी थी, फाइनली ऐसे चली गई, इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो होगा भटकन का एंगल, एंगल ऑफ डिविएशन, डिविएट कर गई अपने पास से, डेविएट बोलते हैं कभी कभी, लेकिन डिविएशन ये शब्द यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिविएट करना, अपने पाथ से पथ भ्रष्ट हो जाना, अपने पाथ से हट जाना, है ना, मार्ग भ्रष्ट हो जाना इसका, जिस मार्ग से जा रही थी अब वो मार्ग नहीं रहा, मार्ग इसका कुछ और हो गया है, इसको और इसको मिला दिया जाता है पीछे ऐसे। और ये जो एंगल बना है बेटा जी, कौन सा वाला, ये वाला जो एंगल बना इन दोनों के बीच का, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं डेल। कभी कभी स्कूल वाली मैडम इसको डी भी लिखती है, कोई दिक्कत नहीं, आपको डी लिखना है डी लिखो, डेल लिखना है डेल लिखो, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही गलत नहीं है। बड़ी क्लासेस में जाओगे, सीनियर क्लासेस में, तो इसको डेल लिखा जाता है, ये डेल है, पोटली जैसा सिंबल होता है इसका, अलग ही लेटर है ये डेल, जैसे लैम्डा वैसे डेल, ठीक है ना, ये डेल है, कोई दिक्कत। क्या नाम हो गया इस एंगल का, एंगल ऑफ डेविएशन, भटकन का एंगल, ठीक है। मैं वहां सब कुछ लेवल कर रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है यहां, इसको मिटा देता हूं, आप समझ तो गई हो यार, है ना। तो मैं अब लिखने वाला हूं, क्या क्या लिखने वाला हूं, सबके नाम, कौन कौन से नाम, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई, एंगल डेल, एंगल ए, आई आर, आर आर, ई आर और नॉर्मल वन और नॉर्मल टू। ये दोनों तो नॉर्मल्स हैं बच्चों, इसका नाम क्या है भाई, इमर्जेंट रे, इसका नाम क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। लेबल करके आना पड़ता है भाई, डायग्राम के साथ साथ लिखना पड़ता है आपको, ये इसलिए लिख रहा हूं मैं, तुम भी लिखो एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएट कर जाना, एंगल ऑफ डेविएशन है डेल, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है बच्चों ये, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा प्यारा, जिसके बिना ये सारी कहानी शुरू नहीं होती, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है जी। तो ये होगी मोनोक्रोमेटिक लाइट का डायग्राम, आपको इसको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, बनाना है सुंदर सुंदर लॉजिक के साथ, ठीक है, लॉजिक के साथ बढ़े आगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन, ठीक है। हां जी, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है, पूरी व्हाइट स्क्रीन आ गई है पीछे, क्योंकि मुझे आपको बताना कि व्हाइट लाइट क्या होती है, व्हाइट लाइट क्या चीज होती है बच्चों, जानते हो आप लोग, ये जो जिस कमरे में मैं खड़ा हूं यहां आसपास सब जगह पर व्हाइट लाइट है, ट्यूबलाइट की लाइट व्हाइट होती है, इवन सनलाइट भी व्हाइट होती है। आप बोलोगे नहीं सर धूप तो पीली होती है, अरे मेरे बच्चे धूप पीली लगती है स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्कैटरिंग पढ़ेंगे, जो धूप पीली पीली दिखती है ना ये दिखती है स्कैटरिंग की वजह से बच्चों, एटमॉस्फेयर में आकर के स्कैटर हो जाती है लाइट, तो हमको कुछ पीला पीलापन दिखता है सूरज का, एक्चुअली में ये लाइट पीली नहीं होती, ये लाइट सफेद होती है, व्हाइट होती है। हमें कैसे पता चला बच्चों, तारे देखे आप लोगों ने, क्या कलर दिखता है तारों का, क्योंकि सर कोई कोई और कलर का भी दिखता है लेकिन मोस्टली व्हाइट कलर के तारे दिखते हैं, है ना, तारे व्हाइट दिखते कि नहीं दिखते आपको, तो सन भी तो एक स्टार ही है, क्या सन स्टार नहीं है, सन भी तो स्टार ही है, अगर आप उसको एटमॉस्फेयर के बिना देखोगे, फॉर एग्जांपल आप सर्च करना है इस चीज को, व्यू ऑफ सन फ्रॉम मून्स सरफेस,
मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है बच्चों, है ना, अर्थ पर एटमॉस्फेयर है। और मैंने बोला एटमॉस्फेयर की वजह से धूप आपको पीली दिखती है, सन आपको पीला दिखता है, अदरवाइज सन पीला नहीं है। सन तो व्हाइट लाइट छोड़ता है बच्चों। मून के सरफेस से अगर आप सन को देखोगे, स्पेस से अगर आप सन को देखोगे, किसी ऐसे प्लैनेट से अगर आप सन को देखोगे जिस प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर नहीं है, आपको सन दिखेगा व्हाइट चमकता हुआ तारा, गोला दिखेगा सफेद, सफेद चमक फेंकता हुआ गोला दिखेगा आपको, वो जैसे एक सीएफएल बल्ब जल रहा हो, जैसे एक एलईडी व्हाइट कलर की एलईडी जल रही हो, इस तरह का आपको सन दिखेगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इस भ्रम में रहते हैं बचपन से कि पीली धूप होती है, धूप पीली नहीं है बेटा, धूप व्हाइट है, ठीक है, धूप व्हाइट है। सन जो है वो व्हाइट लाइट छोड़ता है सब तरफ, व्हाइट कलर छोड़ता है सब तरफ। अब ये व्हाइट कलर क्या होता है? एक्चुअली में व्हाइट कोई कलर ही नहीं है। ओ सर ये क्या कह दिया आपने, क्या कह दिया, हमारे तो क्रेयॉन्स के अंदर एक व्हाइट कलर निकलता था। एक्चुअली में ब्लैक भी कोई कलर नहीं है। हो सर क्या कह रहे हो आप, ब्लैक भी कलर निकलता था, हम तो काला काला रंग करते थे बालों में, है ना, काली काली ड्रेस बनाते थे, काली काली हैट बनाते थे, ब्लैक कलर का स्नेक बनाते थे हम तो। काला रंग कैसे नहीं है सर, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं क्रेयॉन्स के अंदर काला रंग है, क्रेयॉन्स के अंदर व्हाइट रंग भी है बच्चों। व्हाइट कलर एक्चुअली में मिक्सचर होता है सब रंगों का। व्हाइट कलर इज मिक्सचर ऑफ ऑल सेवन कलर्स, ठीक है। कैसे पता चला? न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने बहुत कुछ बताया सर, हाँ न्यूटन ने बताया था, एक न्यूटन ने डिस्क एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, एक डिस्क एक्सपेरिमेंट किया था। वो डिस्क एक्सपेरिमेंट क्या था, मैं साइड में बना के दिखाता हूं आपको। उसने एक गोल सी डिस्क ली थी, बचपन में पढ़ाते भी हैं शायद इसको, सेवंथ या एट क्लास के अंदर शायद इसको पढ़ाते भी है, मुझे नहीं पता ना मैंने पढ़ाई है, ठीक है, मैंने सुना है मतलब बच्चों से कि सर बताते हैं इसको। ये लैब्स के अंदर रखी रहती है, फिजिक्स लैब में जाओगे ना अगर आप, अगर अभी तक नहीं गए हो, लॉकडाउन था मैं मानता हूं, स्कूल गए नहीं गए छूटा जो भी था, लैब के अंदर ये आपको मिल जाएगी। होता क्या कि 360 डिग्री अपॉन 7, सात रंगों से काट करके लगभग 51 डिग्री बनता है, तो 51 डिग्री के साथ सेक्टर बना दिए जाएंगे। सर्कल पढ़ा आप लोगों ने, है ना, सर्कल्स इन वन शॉट, है ना, और तुम तो मचाई रहे हो ऐसे भी मुझे पता है ना। तो आपने क्या कर देने, इसके सात सेक्टर बना देने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सबके सब 51 डिग्री के होने चाहिए बेटा, लगभग 51 डिग्री, है ना, 51 डिग्री के ये सात हैं। इन सातों पर न्यूटन जी ने विबग्योर रंग कर दिया। मैं ढूंढता हूं ये सारा रंग है या नहीं है यहां पर। वायलेट ही नहीं है देखो। ओके वायलेट है क्या, वायलेट इंडिगो ब्लू, वायलेट नहीं है भाई, कैसे बनाऊं वायलेट को, चलो कोई नहीं आप समझ जाना बच्चों। वायलेट किया हुआ है, फिर इंडिगो कर दिया, फिर ब्लू कर दिया, विब ग्योर जी कर दिया, ग्रीन ग्योर योर, येलो कर दिया, ऑरेंज तो है जी, और रेड कर दिया बच्चों, रेड कर दिया। तो ये न्यूटन ने डिस्क बनाई, और क्या किया पता है, इस डिस्क को पकड़ के ना ऐसे घुमा दिया, बहुत तेजी से घुमा दिया इसको। जब ये सारे रंग घूमने लगे ना, आप इसको देख भी सकते हो यूट्यूब पर कहीं सर्च करके, अगर आपके लैब में नहीं मिलती है डिस्क तो आप सर्च करके देखना, न्यूटन से डिस्क एक्सपेरिमेंट सर्च करना, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ये, लेकिन ये सच्चाई है। जब इसको घुमाया ना तो व्हाइट कलर दिखने लगा, तो व्हाइट कलर दिखने लगा। आप खुद भी एक एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, व्हाइट पेपर लेना, उसके ऊपर 51 डिग्री के ऐसे सेक्टर काटना, सब पर विबग्योर कर देना, विबग्योर का रंग कर देना, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये सात रंग कर देना और घुमा देना पकड़ के डिस्क को। आप देखोगे ऑफ व्हाइट सा रंग दिख रहा होगा इसका, ऑफ व्हाइट का मतलब जैसे हल्का सा पीलापन आएगा, या फिर पूरा ही व्हाइट दिखेगा वो ऑलमोस्ट, ठीक है। मैंने जब किया था अपने टाइम पर तो हल्का ऑफ व्हाइट सा रंग आया था, तो मेरे को ज्यादा मजा नहीं आया था करके, लेकिन हाँ ये था कि भाई सारा रंग गायब होकर के वही एक कलर दिख रहा था, तो अपने आप में बहुत हैरानी वाली बात थी हम जैसे बच्चों के लिए, जब हम बच्चे हुआ करते थे, तो आपको मजा आएगा ये देख करके। तो व्हाइट लाइट एक्चुअली में क्या है बच्चों, ये सात रंगों का मिश्रण है, इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल सेवन कलर्स। तो जब ये व्हाइट लाइट सन से, जो कि अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, जो कि अल्टीमेट सोर्स है लाइट का, जो कि नेचुरल सोर्स है लाइट का, ये आर्टिफिशियल सोर्सेस की बात नहीं कर रहा मैं, ये ट्यूब लाइट, ये सीएफएल, ये एलईडी, ये सब आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं, ये तो हमारे मैन मेड क्रिएटेड सोर्सेस हैं, हम तो परमात्मा क्रिएटेड सोर्सेस की बात कर रहे हैं, है ना, नेचर ने जो क्रिएट करा हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सन एक नेचुरल, है ना, हमने तो क्रिएट कर रहा नहीं सन को, तो सन की जो रोशनी है बच्चों वो व्हाइट लाइट है नेचुरल वाली। उस व्हाइट लाइट को अगर आपने प्रिज्म पर डाला, किस पर डाला, प्रिज्म पर डाला, तो ये सात रंगों में बट जाती है। आप पूछोगे क्यों जी, क्यों बट जाती है सात रंगों में? बच्चों ऐसा है कि हर रंग से ना एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होती है,
एक्चुअली में वेवलेंथ ही कलर है. वेवलेंथ, वेव, लाइट इज अ वेव. पहला लेक्चर याद करो, पहला लेक्चर याद करो, हमने पढ़ा था डुअल नेचर होता है, दोगली या लाइट. लाइट का रे नेचर भी है और लाइट का वेव नेचर भी है, है ना. लाइट का फर्स्ट लेक्चर आप याद करो, दो नेचर होते हैं लाइट के, वेव नेचर, रे नेचर. यहां पर थोड़ा सा वेव नेचर की बात हम लोग कर रहे हैं बच्चों. देखो वेव नेचर होगा बच्चों तो वेवलेंथ तो होगी ही होगी, है ना. तो ऐसा होता है कि सन जो है ना वो हजारों तरह की वेवलेंथ फेंक रहा है, हजारों नहीं करोड़ों तरह की वेवलेंथ फेंक रहा है, करोड़ों तरीके की वेवलेंथ वो फेंक रहा है. तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में से कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम भी है जो विजिबल है, कुछ ऐसी लाइट भी है जो हमको आंखों से दिखती है. जो आंखों से नहीं दिखती उनके नाम सुन लो, अल्ट्रावायलेट आंखों से नहीं दिखती, इंफ्रारेड आंखों से नहीं दिखती, कॉस्मिक रेज आंखों से नहीं दिखती, अल्फा बीटा गामा रेज आंखों से नहीं दिखती, एक्स रेज आंखों से नहीं दिखती, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सब आंखों से नहीं दिखती. ये भी सन फेंकता है. खाली ये लाइट ही नहीं फेंकता सन, खाली व्हाइट लाइट ही नहीं फेंकता, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेंकता है वो. उसमें से कुछ ऐसा रेडिएशन है जो हमारी आंख को दिखता है, कुछ ऐसा रेडिएशन है जो हमारी आंख को दिखता है. कुछ नैनोमीटर है, कुछ चंद सौ नैनोमीटर है जो हमारी आंख को दिखते हैं बच्चों. उनके अंदर ये सातों रंग आते हैं और उनके अंदर ये रंग बिरंगी दुनिया आती है, ये कलरफुल वर्ल्ड आता है जिसको हम देख पा रहे हैं. तो जो कलरफुल वर्ल्ड हमको दिख रहा है ना बच्चों, ये सब सन की और इन आर्टिफिशियल सोर्सेस की बदौलत है कि हमको ये रंग दिख पा रहे हैं बच्चों. कभी भी कपड़े खरीदने जाना हो, ऐसी आपको इंस्टेंस सुना और समझा देता हूं. कभी कपड़े खरीदने जाना हो तो अच्छा रहेगा कि नेचुरल लाइट में खरीदो, रात में मत कपड़े खरीदना, क्योंकि आपको धागे वागे उधड़े हुए कुछ कहीं से रफू हुआ हुआ कहीं से कटा फटा हुआ दिखेगा नहीं. उनकी आर्टिफिशियल येलो येलो बल्ब, आप रात को कपड़े लेने के लिए गए कहीं येलो बल्ब जल रहा है, कहीं लाइट के ऊपर कोई वो पन्नी सी चिपका रखी होती है हरे अजीब अजीब रंगों की, उसके अंदर लगता है भाई ये शर्ट तो बड़ी अच्छी चमकदार शर्ट लग रही है, पार्टी में पहन के जाऊंगा बढ़िया लगेगी, है ना. पता चलता है घर लेके आके यहां से धागे वागे निकल रहे होते हैं उसके, ठीक है ना. तो इस तरह की जो सस्ती दुकानें हैं, ठीक है, सस्ती दुकानों का मतलब ये नहीं कि मैं खराब की बात कर रहा हूं, सस्ते का मतलब खराब, ठीक है ना. जहां पर ये खराब और ये धोखाधड़ी चलती है उस जगह से खरीदने से अच्छा आप दिन में देखो, दिन में खरीदो, उलट पलट के देखो कपड़े को, आपको साफ साफ रंग दिखेंगे, साफ साफ दिखेगा कि उसके अंदर क्या है. इसलिए फोटोज भी जो खिंचवाई जाती है वो नेचुरल लाइट के अंदर खिंचवाओगे अच्छी लगेगी आपको. एक क्लोज रूम के अंदर और फ्लैश लाइट वाली जो फोटो होगी वो अलग ही दिखती है, उसका अलग ही पता चल जाता है. तो नेचुरल लाइट के अंदर नेचुरल कलर्स निकल करके आते हैं चीजों के, ठीक है ना. तो इसीलिए थोड़ी सी और डीप बातें जो हैं बच्चों वो 12th क्लास के अंदर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर. मैं वहां तक जाना नहीं चाहता, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज की जो बातें हैं मैं वहां तक पहुंचना नहीं चाहता, क्योंकि हम लोगों का समय बहुत बर्बाद हो जाएगा उस चीज के अंदर, ठीक है ना. तो आप अभी इतना ही समझ लो कि व्हाइट लाइट के साथ साथ और बहुत सारी लाइट्स आती हैं, लेकिन वो लाइट से हम लोगों को मतलब नहीं, क्योंकि वो हमको दिखती भी नहीं, हमको दिखती कौन सी है, हमको दिखती ये लाइट्स हैं, ये लाइट्स हमको दिखती हैं, ये व्हाइट लाइट का मिश्रण हमको दिखता है और व्हाइट फॉर्म में दिखता है हमको. जैसे अभी आपको ये बोर्ड व्हाइट दिख रहा है, इस तरह की धूप होती है, इस तरह की धूप होती है. अब उस व्हाइट लाइट को मैंने प्रिज्म के एक कोने पे देके मारा, इंसिडेंट रे मैंने इसके एक साइड पर दे करके मारी, ऐसे ऐसे. ये व्हाइट लाइट है बच्चों, व्हाइट लाइट. और आप जानते हो व्हाइट लाइट क्या है. व्हाइट लाइट तो जी विबग्योर से बनी हुई एक मिक्सचर लाइट है ना, मिश्रण है ये तो लाइट का, सात रंगों का ये मिश्रण है, सात अलग अलग वेवलेंस है यहां पर ये, ठीक है ना, सात अलग अलग वेवलेंस है बच्चों. स्नेल्स लॉ याद करो थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर वो अप्लाई हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रही है तो स्नेल्स लॉ तो अप्लाई हो गई होगा बच्चों. स्नेल्स लॉ क्या था, स्नेल्स लॉ था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. लेकिन आखिर कब तक साइन आई बाई साइनर कॉन्स्टेंट, कब तक साइन आई बाई साइनर कॉन्स्टेंट, तब तक जब तक लैम्डा कॉन्स्टेंट और जब तक मीडियम कॉन्स्टेंट, पेयर ऑफ मीडिया, जब तक पेयर ऑफ मीडिया कॉन्स्टेंट है, यानी एयर से ग्लास सात बार बोल रहा हूं, एयर से ग्लास हर बार हर लाइट के लिए एयर से ग्लास ही है, यानी यह तो कॉन्स्टेंट है, एयर से ग्लास में आ रही है, पेयर ऑफ मीडिया तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या लैम्डा कांस्टेंट है, नहीं. इन सब रंगों का लैम्डा अलग अलग है, किसी का 460, किसी का 480, किसी का 490, फलाना फलाना कुछ कुछ अलग अलग, सबका क्या है लैम्डा है, सबका अलग अलग वेवलेंथ है. तो बच्चों जब तक लैम्डा सेम नहीं होता, जब तक लैम्डा कांस्टेंट नहीं होता, तब तक ये साइन आई बाई साइन आर का रेशियो भी कांस्टेंट नहीं होगा, यानी अलग अलग लैम्डा के लिए ये साइन आई बाई साइन आर का रेशियो भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, यानी एक पर्टिकुलर आई के साथ साथ आर जो होंगे ना वो सात निकलेंगे. क्यों सात निकलेंगे, क्योंकि लैम्डा भी कितने हैं बच्चों, सात हैं.
तो 7 लैम्डा होने के चक्कर में, 7 लैम्डास होने की वजह से आर भी कितने होंगे बच्चों, आर भी 7 ही होंगे। तो इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो बी 7, विल ऑल्सो बी ऑफ 7 डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरह के रिफ्रैक्टिव एंगल्स होंगे बच्चों। एक ही इंसिडेंट एंगल पर 7 अलग अलग रिफ्रैक्टिव एंगल्स होंगे, इसलिए बट जाती है, बटती है। ये तो हर किताब में लिखा है, क्यों बटती है ये सोचने वाली बात है। तो मैंने आपको वो सोच दी है, वो सोच दिए कि क्यों बटती है। अब इसको आप समझना और समझाना दूसरों को भी, तभी आपको ये चीज समझ में आएंगी। समझ के समझाया करो, समझ के समझाया करो, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जैसे ये पड़ी ना तो ये अंदर बट जाएगी, ये अंदर बट जाएगी। सबसे नीचे जाती है वायलेट, उससे ऊपर जाती है इंडिगो, उससे ऊपर जाती है ब्लू, उससे ऊपर जाती है ग्रीन, उससे ऊपर जाती है येलो विबग्योर, है ना, येलो, उससे ऊपर जाती है येलो ऑरेंज रेड, हाँ ऑरेंज, और उससे ऊपर जाती है, ये सीधी हो गई क्या, थोड़ी सी और टेढ़ी कर देते हैं इसको, और उससे ऊपर जाती है कौन सी, रेड, ऐसे, ठीक है जी। तो एक बार अगर ये बट गई, अब इनको एकजुट करने वाला कोई नहीं है भाई, अब तो ये ऐसी बाहर निकलेंगी, ये बटी बटी ही बाहर निकलेंगी। तो बटी बटी बाहर निकलेंगी यानी कि एक बार अलग हो चुके हैं, डिस्पर्स हो चुकी है, तो अभी ऐसे बाहर आएगी, रेड ऐसे बाहर आ गई है ना, और ऑरेंज ऐसे बाहर आ गई, येलो है ना, येलो ऐसे बाहर आ गई, फिर ग्रीन बाहर आ गई, फिर ब्लू बाहर आ गई, ये वाला ब्लू था, ब्लू भी कितने तरह के हैं, ये इंडिगो बाहर आ गई, फिरोजी रंग है ना, और ये आ गया आपका वायलेट बाहर। तो आपको क्या लगता है ये हवा में बटती दिखेगी आपको, नहीं, अरे स्क्रीन रखनी पड़ेगी, रियल इमेज है ये, स्क्रीन रखनी पड़ेगी, स्क्रीन पर छपेंगे सारी, ऐसे हवा में नहीं दिखेगा आपको तिरंगा, ओ तिरंगा कह रहा हूं सॉरी क्षमा करना, तिरंगा नहीं सतरंगा, या ये रेनबो, रेनबो बनता हुआ हवा में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो रेनबो, ये रेनबो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 7 रंग स्पेक्ट्रम देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ दीवार रखनी पड़ेगी, पर्दा रखना पड़ेगा, उस पर आकर के छपेंगे ये 7 के 7 रंग, समझ रहे हो ना बात को। ऐसे नहीं कि हवा में आपको बढ़ती दिख जाएगी ये, यहां पर आपको क्या रखनी पड़ेगी बच्चों, है प्यारे बच्चों, क्या रखनी पड़ेगी, यहां पर आपको स्क्रीन रखनी पड़ेगी, स्क्रीन पर आकर के छपेंगे कैसे, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड विबग्योर, ऐसा बनेगा, समझ में आई बात। तो एक बार अगर लाइट इस पर पड़ी तो फैल गई और फिर फैल करके बाहर निकलेगी, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। एक बात और करनी है यहां पर मैंने आपसे, बहुत जरूरी बात है वो, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि वायलेट ही नीचे आया रेड ही ऊपर आया, इसके पीछे कारण है बच्चों, कारण यह है कि लैम्डा वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा है, क्या बोला, लैम्डा ऑफ आर इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल, ये जितने भी हैं इन सब में सबसे ज्यादा जो लैम्डा वो किसका है, रेड का है। यानी अगर मैं यहां पर एक फैक्ट लिख दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी, अगर मैं यहां एक फैक्ट लिख दूं, कौन सा फैक्ट लिखूं, कौन से कलर से लिखूं, इससे लिख दूं कि भैया लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, मतलब लैम्डा आर ओ से बड़ा, वो वाई से बड़ा, वो जी से बड़ा, वो बी से बड़ा, वो आई से बड़ा, वो वी से बड़ा, यानी सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा लैम्डा किसका, सबसे छोटा लैम्डा वायलेट का। तो वायलेट का लैम्डा बहुत छोटा है, और वायलेट का लैम्डा छोटा होने की वजह से इसमें भटकन सबसे ज्यादा है। भटकन कैसे पता चली, इधर देख, इधर देख, मुझे एक बात बता, अगर ये प्रिज्म ना होता, अगेन वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये प्रिज्म ना होता बच्चों तो ये लाइट ऐसे निकल जाती कि नहीं निकल जाती, क्या कहते हो, क्या कहते हो। पर ऐसा हुआ नहीं, हुआ क्या, हुआ क्या कि बीच में प्रिज्म रख दिया गया, अब प्रिज्म रख दिया गया तो ऐसे बट गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है ये है डेल आर, अभी डेल बताया था आपको मैंने पिछली वाली स्लाइड में, है ना, भटकन ऑफ आर, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, एंड दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर। मुझे खुद ही, आप ही बताओ कि डेल वी बड़ा या डेल आर बड़ा, भटकन किस में ज्यादा, वायलेट में भटकन ज्यादा या रेड में भटकन ज्यादा। आपका सीधा सीधा आंसर होगा, सर देख के तो पता चल रहा है कि वायलेट का एंगल बड़ा है, रेड का एंगल छोटा है, यानी डेल वी इज ग्रेटर देन डेल आर। तो ऐसा है क्यों, ऐसा है इसलिए क्योंकि वेवलेंथ उल्टी है, ये डेविएशन की उल्टी होती है, वेवलेंथ, वेवलेंथ का उल्टा होता है डेविएशन, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
ठीक है ना, ये शब्द मैं बहुत ज्यादा निकालता नहीं हूं, बच्चे पता नहीं कहीं कहीं से इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी निकाल लेते हैं चीजों के अंदर मिक्स करके फॉर्मूलों को, ऐसा नहीं होता बेटा, लॉजिक से आया है प्रोपोर्शनलिटी, है ना, मैथमेटिक्स से प्रोपोर्शनलिटी मत प्रूव किया करो, पहले लॉजिक से प्रोपोर्शनलिटी प्रूव करो, उसके आगे मैथमेटिक्स आएगी। तुम मैथ्स को मिला जुला करके बोलते हो ये ऐसे प्रोपोर्शनल है वो वैसे प्रोपोर्शनल है, ऐसे प्रोपोर्शनलिटी नहीं बोलते, लॉजिक से प्रोपोर्शनलिटी बोली जाती है, फिर उसको प्रूव करने के लिए मैथ्स यूज करी जाती है। तुम मैथ्स से प्रोपोर्शनलिटी प्रूव होती है बच्चों, ठीक है ना, मैथ्स का यूज करके प्रोपोर्शनलिटी प्रूव होती है, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम मैथ्स के फॉर्मुलों को मिक्स कर देते हो, उसके बाद कहते हो ये इसके डायरेक्टली है वो इसके इनवर्सली है, ऐसा नहीं होता, लॉजिक से प्रूव होता है, लॉजिक से पता चलता है ये, ठीक है ना, कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है और कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन डायरेक्टली है कौन इनवर्सली है। तो यहां से मैं बात बोल सकता हूं कि डेल वी मतलब डेल वी बड़ा है लेकिन लैम्डा भी छोटा है, लैम्डा भी छोटा होने की वजह से ही डेल वी बड़ा है, ठीक है ना। तो डेविएशन इन वायलेट कलर इज मोस्ट एंड वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज लीस्ट, डेविएशन इन रेड कलर इज लीस्ट बिकॉज वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोस्ट। बात समझ में आई ना, ये दोनों उल्टे हैं। बाकी डेफिनेशन लिखी हुई है सारी एनसीईआरटी की बातें, एनसीईआरटी की लाइनें आप चाहो तो पढ़ सकते हो, उसको मैं पढ़ देता हूं। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जो फिनोमिना व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म में से पास करने पर सात रंगों में बांट दे, उस फिनोमिना को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। तो कौन कौन से कलर दिखते हैं बच्चों, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, द सीक्वेंस ऑफ कलर्स रिमेंबर इज विबग्योर, द बैंड ऑफ सेवन कलर्स इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, यही है विजिबल स्पेक्ट्रम, जो आंखों से दिख रहा है, जो आंखों से नहीं दिख रहा वो इनविजिबल स्पेक्ट्रम है। जैसे कानों से सुनाई नहीं देती कौन सी रेज, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड हमको कानों से सुनाई नहीं देती, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 9th class साउंड याद करो, पिछले साल आपने पढ़ा था ये, है ना, ऐसे ये क्या है, ऐसी ये विजिबल रेंज है बच्चों। तो इनविजिबल रेंज कौन सी है, वो बहुत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, रेडियो वेव्स वगैरह वगैरह बहुत सारी आती है उसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो काफी बातें मैंने इसके बारे में कर ली है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, होता क्या है कि सिमेट्रिकल बातें हैं बेटा, सिमेट्रिकल बातें, अगर आपने एक व्हाइट लाइट डाली प्रिज्म पर तो वो दो रंगों में बढ़ जाएगी। आप जानते हो कौन कौन से दो रंग होते हैं बच्चों, एक तो होता है वायलेट, एक तो होता है वायलेट जो नीचे से जाता है, और एक होता है रेड जो ऊपर से जाता है, इतना ऊपर भी नहीं जाता वैसे, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है ना। तो अब ये रेड आगे चला गया, ये रेड आगे चला गया, और ये वायलेट भी आगे चला गया, ये वायलेट भी आगे चला गया, तो अब क्या होगा पता है, इसके आगे एक उल्टा प्रिज्म रख दिया, जैसे सीधा प्रिज्म था जिसने बांटा था, ऐसे ही उल्टा प्रिज्म रख दिया। उल्टा प्रिज्म रखने से क्या होगा, वही चीज होगी जो इसने करी है और इसकी उल्टी, जो इसने करी है उसका उल्टा, यानी रिकम्बाइन कर देगा, इसने स्प्लिट करा था, ये क्या करेगा, रिकम्बाइन कर देगा, ठीक है ना। इन्वर्टेड प्रिज्म इसको बोलते हैं, इन्वर्टेड प्रिज्म, ये तो सीधा प्रिज्म था, इरेक्ट प्रिज्म है, ये तो ये इरेक्टेड प्रिज्म है ना, और ये क्या है, ये इन्वर्टेड प्रिज्म है, इन्वर्टेड प्रिज्म है, ठीक है। अब ये छूट जाता ना तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो छूट गया, ये तो आपने करवाया नहीं, तो मैंने ऐसी एक स्लाइड बीच में इसकी ऐड करवा दी थी, ठीक है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंस है इसका कि ये क्या कर देगा, रिकम्बाइन करवा देगा, इसको इन्वर्टेड प्रिज्म बोलते हैं। क्यों करता है, क्योंकि सिमेट्रिकल बातें हैं बेटा, इसने इसने बटाया, इसने बांटा है तो वो जोड़ देगा, ठीक है ना, और ये जा करके क्या करेगी, मिल जाएगी ऐसे, ऐसे मिल जाएगी जा करके, और फिर से क्या बन जाएगी बच्चों, फिर से व्हाइट लाइट बन जाएगी, फिर से व्हाइट लाइट बन जाएगी। तो ये व्हाइट लाइट आई, सात रंगों में बटी, ये सात रंग आगे गए, फिर से कंबाइन हो गए और फिर से व्हाइट लाइट निकल गई, या से सातों रंग निकले हैं बच्चों, ये मैं समझना दो ही रंग निकले हैं, वो तो मैंने बॉर्डर दिखा दिया आपको ऐसे कि इसके बीच में ही होंगे सारे, इसके बीच में ही होंगे सारे, ठीक है ना। इससे एक सवाल जुड़ा हुआ है लेकिन बच्चों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये छूट जाता है कहीं ना कहीं बच्चे से भी और टीचर से भी, ये सवाल पता है क्या है, सवाल ये है कि सर प्रिज्म तो डिस्पर्स करता है लाइट को, ग्लास स्लैब क्यों नहीं करता, ग्लास स्लैब जो हमने लाइट में पढ़ा था वो क्यों नहीं व्हाइट लाइट को स्प्लिट करता, व्हाइट लाइट को सात रंगों में बांटता। इसका आंसर ये है बेटा, बांटता है वो भी बांटता है, लेकिन उसके साथ उसका ही एक सिमेट्रिकल इन्वर्टेड प्रिज्म लगा हुआ है जो उसको दोबारा से कंबाइन करके व्हाइट लाइट बना देता है। नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई बात, अब आएगी समझ में। इमेजिन करो कि मैंने इस प्रिज्म को और इस प्रिज्म को आपस में जोड़ दिया, इमेजिन करो इस प्रिज्म को आपस में जोड़ दिया बच्चों, क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा, क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा, क्या एक स्लैब जैसा नहीं हो गया, अरे स्लैब वो रेक्टेंगुलर स्लैब था, ये क्या हो गया, ये पैरेलोग्राम वाला स्लैब है, इसमें क्या दिक्कत है,
लेकिन वो जो स्लैब था वो स्लैब एक्चुअली में दो प्रिज्म ही थे जुड़े हुए आपस में। सोचना मैकेनिक्स है ये, ऑप्टिक्स है ये, सोचना मैकेनिकल ऑप्टिक्स है ये, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, एक सीधे खड़े प्रिज्म को उल्टे खड़े प्रिज्म को, ये क्या बन गया, ये प्रिज्म ही तो बन गया, मतलब दो प्रिज्म मिलकर के स्लैब ही तो बन गया ये। अब यहां से लाइट जाएगी भी, अगर यहां से लाइट जाएगी भी, दो में बटेगी भी, तो वापस से क्या हो जाती है, रिकम्बाइन होकर ऐसे निकल जाती है वो, ठीक है ना, वो ऊपर से निकाल दी मैंने गलती से, यहां से निकलेगी ऐसे 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 ऐसे, बात आई कुछ समझ में। तो उत्तर ये है भाई, वहां भी होता है, ऐसा नहीं कि वहां नहीं होता, लेकिन वो दिखेगा थोड़ी, स्क्रीन थोड़ी रखी जाएगी भाई, स्लैब के अंदर खोद के स्क्रीन रखोगे क्या, स्क्रीन कहां रखोगे, स्क्रीन रखनी पड़ेगी ना आपको, सात रंग बटते देखने के लिए, हवा में नहीं बटते, हवा में नहीं बटते। आप बोलोगे रेनबो तो सर हवा में बनता है, अरे हवा में नहीं बनता, वो एटमॉस्फेयर की हेल्प लेता है, वो एटमॉस्फेयर पर पड़ने वाली जो बूंदे हैं उन बूंदों की हेल्प लेकर के बनता है वो, ठीक है ना, वहां पर भी स्क्रीन है, और वैसे मेनली स्क्रीन जो है वो रेटिना ही है, वो रिफ्लेक्ट होकर के रेटिना के अंदर ही आनी है, तो रेटिना हमारी स्क्रीन होती है। लेकिन यहां पर आप बात को समझने की कोशिश करना, बटेगा और फिर से जुड़ जाएगा, स्लैब है वो, दो इन्वर्टेड प्रिज्म ही है वो, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से, कि भाई बटती है फिर जुड़ जाती है, स्लैब के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब बात आती है रेनबो की, रेनबो की तो बात करनी पड़ेगी, है ना, रेनबो इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है, दो या तीन नंबर में क्वेश्चन इसका बनता ही बनता है। बात यह कि बारिश हो रही है, ठीक है, अब बारिश हो रही है तो बूंदे आएंगी, बूंदे टपकेंगी, ये जो बूंदे हैं बच्चों ये छोटे छोटे प्रिज्म की तरह से एक्ट करने लगती हैं। कैसे एक्ट करने लगती हैं, छोटे छोटे प्रिज्म की तरह से एक्ट करने लगती हैं। जैसे एक प्रिज्म के अंदर एक डेंसर मीडियम होता है ग्लास का, वैसे यहां पर वाटर का डेंसर मीडियम है, बाहर एयर है। तो हुआ क्या कि ये जो ड्रॉप थी इसके ऊपर वो व्हाइट लाइट पड़ती है, किसकी, सन की। देखो कभी भी रेनबो देखोगे अगर आप, तो सन जरूर होगा या सन की लाइट जरूर होगी। सन मान लो कहीं बादल के बीच छुप भी गया तो भी कहीं ना कहीं से उसकी लाइट जरूर आ रही होगी, तो सन लाइट होनी चाहिए नंबर एक। रात के टाइम थोड़ी रेनबो दिखता है, ठीक है ना, राइट, सन लाइट होनी चाहिए एक बात तो ये, दूसरी बात बारिश हुई होनी चाहिए, ये नहीं कि अभी भी हो रही है, कभी कभी अभी भी हो रही होगी तब भी, मतलब प्रेजेंटली जब बारिश हो रही हो तब भी रेनबो बनता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश अब रुक चुकी होती है, कम हो चुकी होती है, तब रेनबो आपको दिखता है। तो बूंद जो ड्रॉप है वो इतनी मोटी भी नहीं होनी चाहिए कि उसके ऊपर ग्रेविटी लगे और वो गिर जाए, और इतनी पतली भी नहीं होनी चाहिए, इतनी मरियल भी नहीं होनी चाहिए कि धूप पड़े तो उड़ जाए, बात समझना। ये बड़ा ही समीकरण बैठता है, बड़ी इक्वेशन बैठती है ये, मैथमेटिकल, ठीक है ना, तब जाकर के ये जो सस्पेंडेड एयर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो रेनबो बनाने में सक्षम होती हैं, ठीक है ना। क्या क्या चीजें चाहिए भाई, रेन हुई होनी चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होने चाहिए, ना इतने मोटे ना इतने भारी कि एमजी लगे तो गिर जाए, और ना इतने हल्के कि धूप पड़े तो उड़ जाए यानी वेपोरेट हो जाए, ऐसे भी नहीं होने चाहिए। और तीसरा क्या होनी चाहिए भाई, सनलाइट होनी चाहिए, सनलाइट, सस्पेंडेड एयर ड्रॉपलेट्स, और थोड़ी देर पहले बारिश हुई होनी चाहिए, उसी की वजह से वो होगा, ठीक है ना, ये कारण है। अब व्हाइट लाइट आकर के सबसे पहले कहां पड़ेगी, उसके एक एज पर पड़ेगी, मैं अब आपको बना के दिखाता हूं। अब ये वाटर ड्रॉपलेट के एज पर आकर के व्हाइट लाइट पड़ी, सनलाइट पड़ी, ये सनलाइट है, सनलाइट क्या है जी, व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट क्या होती है जी, मिक्सचर होती है किसका, विबग्योर का, विबग्योर का क्या होती है, वो मिक्सचर होती है, ठीक है। इस पर पड़ी तो इसने बांट दिया, कैसे बांट दिया भाई, वायलेट आ गई सबसे नीचे, ये रंग दिख रहा है आपको क्या, मुझे नहीं लगता दिख रहा होगा तुमको, नीले पे नीला, कोई नहीं, लेकिन समझ जाना भावनाओं को, यार वो दिखे ना वही बनाता हूं, ठीक है। तो नीचे वायलेट, उससे ऊपर इंडिगो, उससे ऊपर ब्लू, उससे ऊपर ग्रीन, उससे ऊपर येलो, उससे ऊपर ऑरेंज, और सबसे ऊपर रेड। ये सातों के सातों रंग आ करके बट गए। अब बाहर नहीं निकलेंगे यहां से, ऐसा नहीं होगा कि आपने यहां आंख टिका रखी है और इधर सन है और सन के आपको बिल्कुल सामने दिखे रेनबो, ऐसा कभी नहीं होता। सन की तरफ रेनबो कभी बनेगा ही नहीं, सन की लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि रेनबो के रंग आपको दिखेंगे ही नहीं। तो कभी भी सन अगर यहां पर है तो रेनबो भी इधर नहीं दिखेगा, रेनबो इधर दिख सकता है, इधर दिख सकता है, इधर कहीं पीछे दिखेगा रेनबो, समझ रहे ना बात को। सन के सीधाई में रेनबो नहीं दिखेगा आपको कभी, और आंख यहां हो अगर तो आपको रेनबो नहीं दिखने वाला। आंख कहां रखनी पड़ेगी, अभी देखियो, अभी देखियो कहां आंख रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला
फिनोमिना जो यहां पर हुआ है, नंबर वन जो हुआ है, उसका नाम है डिस्पर्जन। बोलो हाँ या ना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुई है बच्चों, सात रंगों में लाइट बटी है बच्चों, हाँ या ना? बट गई। अब क्या होगा? इस पाठ पर आने पर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उस कंडीशन का नाम है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको ओलंपियाड लेवल पर पढ़ाते हैं और ट्वेल्थ क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, टेंथ क्लास की NCERT के अंदर नहीं पढ़ाया जाता बच्चों इसको, TIR को, ठीक है ना। इवन NCERT के अंदर भी ये लाइन नहीं लिखी हुई, टोटल इंटरनल, वहां भी लिखा हुआ है कि दीज लाइट्स आर इंटरनली रिफ्लेक्टेड, बस ये लाइन लिखी हुई है। तो आपको भी ये लिख के आना है बोर्ड के अंदर, आपने भी ये लिख के आना कि ये क्या होती है, सबकी सब लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो अंदर ही अंदर ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। बड़ा अजीब सा फिनोमेना है ये बड़ा अजीब सा फिनोमेना है कि सारी की सारी क्या हो जाती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो सेकंड नंबर पर हुआ है ना, इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों होती है? बारहवीं में जाना पड़ेगा या ओलंपियाड लेवल पर पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। अभी समय नहीं है बताने का। TIR अपने आप में कम से कम 20-25 मिनट का टॉपिक है, ठीक है ना। तो इस पर समय लगता बताने में, एक तो बताना पड़ता है कि रिवर्स रेडियंस जाएगी तब होता है, एक होता है क्रिटिकल एंगल से बड़ी होगी तब होता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इसको रहने दो, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ? गई बटी पहले, तो बट के यहां से टकरा करके वापस आई, मतलब ये वाला जो इलाका ना, ये एक मिरर की तरह से एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ये कॉनकेव मिरर जैसा एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तभी तो सारी की सारी वापस आ गई है। और जब ये वापस आती है तो फिर यहां आकर के बाहर की तरफ ये क्या करने लगती है, क्या करने लगती है, रिफ्रैक्ट होने लगती है। तो तीसरे पॉइंट पर क्या हो रहा है बच्चों? तीसरे पॉइंट पर हो रही है रिफ्रैक्शन। थर्ड पर क्या हो रही है बच्चों? थर्ड पर हो रही है रिफ्रैक्शन, नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है ना। ये भी रिफ्रैक्शन ही थी, पर रिफ्रैक्शन का एक स्पेशल टाइप था, डिस्पर्जन नाम दे दिया था इसको, ठीक है ना। तो डिस्पर्जन, TIR, रिफ्रैक्शन, ये तीन फिनोमिना होते हैं, तब जाकर के रेनबो नसीब होता है देखना, नहीं तो रेनबो भी नहीं दिखता। हर बार बारिश आती है, हर बार धूप निकलती है, हर बार रेनबो थोड़ी बनता है, नहीं बनता, कभी कभी पॉल्यूशन की वजह से नहीं बनता और अन्य अन्य कारणों की वजह से नहीं बनता, हर बार नहीं बनेगा, हर बार नहीं बनेगा। समीकरण बैठेगा पूरा, इक्वेशन बैठेगी पूरी, वही बताया मैंने आपको, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट होने चाहिए, इतने मोटे भी नहीं के गिर जाएं और इतने छोटे भी नहीं के धूप पड़े तोड़ जाए, धूप भी होनी चाहिए, है ना, बारिश भी होनी चाहिए थोड़ी देर पहले, तभी वाटर ड्रॉपलेट आपको दिखेंगे, मतलब होंगे। और ये तीनों फिनोमेना भी होने चाहिए, ये तीनों फिनोमेना नहीं होंगे तो रेनबो नहीं दिखेगा। अब रेनबो कहां दिखेगा? आंख होगी यहां, आंख होगी यहां, और ये लाइट आकर के कहां गिरेगी? आंख में। ये लाइट आकर के सारी कहां गिरेगी? आंख में। आंख में गिरेगी ना तो उसको सामने दिखेगा रेनबो, यहां बनता हुआ, यहां दिखेगा उसको रेनबो बनता हुआ, इधर से इधर ऐसे ऐसे, यहां रेनबो उसको सामने दिखेगा, क्योंकि लाइट ऐसे गिर रही है ना, लाइट ऐसे गिर रही है भाई, लाइट जिस तरफ से आ रही है, लाइट जिस तरफ से आ रही है उसी तरफ को हमें दिखेगा कि वही ऑब्जेक्ट है, जिस तरफ से लाइट आ रही हो हमें तो वही दिखेगा, वही वहीं पर ऑब्जेक्ट है, समझ गए ना बात को। जैसे इमेजिन करो, इमेजिन करो आपके कमरे के अंदर शीशे लगे हुए हैं दो तरफ, ठीक है ना, आपकी मदर सामने बैठी है, तो आपको ऐसा भी तो लगता है कि मदर शीशे के उधर ही बैठी है, एक शीशा जहां लगा हुआ, जहां से मम्मी को देख रहे हो, पापा को देख रहे हो, वो शीशे के अंदर भी पापा, ये शीशे के अंदर भी मम्मी दिखती है, क्यों दिखती है? आप उधर को देखोगे तो वहां से लाइट टकरा करके आपकी आंख में आ रही होती, तो आपको दिखता, अरे वो रही मम्मी, अरे वो रे पापा, पर वहां है थोड़ी, है तो ऑब्जेक्ट यहां पर, रियल ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, वहां जो दिख रहा है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिख रहा है या वर्चुअल इमेज उस ऑब्जेक्ट की दिख रही है, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो आंखों को क्या पता यार, आंख को, दिमाग को तो चलो पता, आंखों को क्या पता, आंखें तो मतलब जिधर से उसको नॉलेज मिलेगी वो तो ले लेगी, जहां से उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तो ले लेगी, उसको इंफॉर्मेशन वहां से मिली, उसने वहां से पकड़ ली कि भाई उधर से लाइट आ रही है तो भाई हाँ उधर ऑब्जेक्ट है, इधर से लाइट आ रही है हाँ भाई इधर ऑब्जेक्ट है। आप मिरर मेज में गए होंगे कभी ना कभी, जो भूल भुलैया होती है शीशे वाली, मिरर वाली, उसमें आप जाओ, यहां भी आप, यहां भी आप, यहां भी आप, यहां तीन चार जगह पर आप दिखते हो, खुद को ही देख रहे होते हो आप, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आंखों को नहीं पता, आंखें तो बुद्धू हैं, आंखों को नहीं पता, आंखों को लगता है इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी, ये तो सब जगह पर है। तो ऐसा ही होगा यहां पर भी, रेनबो जिस तरफ से आएगा वहीं दिखेगा या सामने दिखेगा रेनबो बनता हुआ, ये कहानी है, ये कहानी है रेनबो की। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, द वॉटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म्स, दे रिफ्रैक्ट डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट एंड देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। देखो ये NCERT की लाइनें है बच्चों, मेरी लाइनें नहीं है, ये लाइनें मेरी नहीं है, ये NCERT की लाइनें है सारी। तो यही लिख के आना वहां पर भी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मत लिखाना, ज्ञान ना पेल देना वहां, ठीक है ना, दिखाना भाई जितना NCERT में उतना हमने अच्छे से पढ़ा है बस, ठीक है ना। रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेनड्रॉप, फिर क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्लेक्टेड इंटरनली, और फिर कॉमा, रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेनड्रॉप ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सबसे पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट,
फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, और डिफरेंट कलर जो होते हैं ऑब्जर्वर की आई में जाते हैं, रेड कलर अपीयर्स ऑन द टॉप, वायलेट एट द बॉटम, वो सारी बातें ठीक है, आप सब समझते हो बातें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। बच्चों ये चैलेंजर क्वेश्चन है पिछले वाले लेक्चर का, थोड़ा सा याद करो है ना, पावर का, पावर ऑफ द लेंस का, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कह रहे एक पर्सन है, लेंस ऑफ द पावर -5.5 डायोप्टर लगा रखा है फॉर करेक्टिंग इज डिस्टेंट विजन, ठीक है, फॉर करेक्टिंग इज नियर विजन ही नीड्स द लेंस ऑफ पावर -1.5 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, ये जो पावर दे रखी है ये डिस्टेंट विजन की दे रखी है, ठीक है ना, इसको मैं P1 ले लेता हूं, ये जो पावर दे रखी है ये नियर विजन की दे रखी है, इसको P2 ले लेता हूं। अब ये कह रहा है भाई डिस्टेंट विजन के लिए आप फोकल लेंथ निकालिए, तो क्या दिक्कत है यार, पावर होती क्या है, पावर होती है 1/F, और अगर आपको F फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए तो आप फॉर्मूला लगाओगे यहां पर 100/F, है ना, फॉर्मूला क्या लगेगा 100/F, जो कि आप किस में होगा सेंटीमीटर में, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है। पावर उठा करके रख दो यहां पर कितनी है -5.5 डायोप्टर में, है ना, और 100/F, F ऊपर जाएगा 5.5 नीचे आएगा, F बराबर आ गया 100/-5.5, इसे काट लोगे आप आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर के अंदर, ये आ गई F1। सेम फॉर्मूला इसके लिए लगाना है, कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूला इसके लिए लगाना है आपने। P2 बराबर क्या होगा भाई 100/F2, P2 कितना है 1.5, और 100/F2, F2 ऊपर जाएगा 1.5 नीचे आएगा, तो F2 आ गया क्या 100/1.5, फिर से हटा के काट दोगे सेंटीमीटर में आंसर निकल के आ जाएगा आपका, ये आ गई आपकी F2। फोकल लेंथ निकालनी थी ना यार, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, फोकल लेंथ आ जाएगी बच्चों F1 और F2, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, जिससे हम दो बातों को एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन सी दो बातें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, एक हो गई, एक चीज हो गई। दूसरी चीज हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है, कैसे होती है, ये ज्यादातर डिटेल्स जो है बच्चों वो 12th क्लास के अंदर रेले स्कैटरिंग वगैरह की बातें वहां पर है, और थोड़ा बहुत ओलंपियाड के अंदर भी है, लेकिन 10th क्लास के अंदर बोर्ड लेवल पर इतनी बातें नहीं है। कोई बात नहीं, जितनी बातें हमने करनी हम करेंगे जरूर। व्हाई स्काई इज ब्लू, स्काई नीला क्यों होता है ये बात करेंगे हम, और रेड क्यों होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पर, सन भी और स्काई भी दोनों रेड होते हैं सनसेट और सनराइज के टाइम पर, तो वो बातें हम करेंगे यहां पर। दूसरा एक टिंडल इफेक्ट आता है, सोडियम थायोसल्फेट का एक्सपेरिमेंट है जो कि वो नीले बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है ना बच्चों, कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर जरूर कमेंट में बताना, और प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, पढ़ते रहो और डायग्राम्स को जरूर बनाओ, ठीक है ना, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है ह्यूमन आई के अंदर, ठीक है, आज के जो लेक्चर के अंदर डायग्राम्स थे उन सबको बना बना करके देखना पेंसिल से और स्केल से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना काफी है, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।